हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं अपने किचन गार्डन में लेके जाऊंगा, क्योंकि थोड़े कुछ है, छोटा सा है किचन गार्डन हमारा, लेकिन कुछ सब्जी वगैरह हो रखी है। तो मैं सोच रहा हूँ आज की सब्जी किचन गार्डन से बनाई जाए, तो आप लोगों को लेके चलता हूँ किचन गार्डन में अपने। चले ओके, चलो चलते हैं ज़रा। तो मैं आ गया हूँ फ्रेंड्स अपने किचन गार्डन में। ये देखिए, ये बीन्स की पौधे लगे हुए, बीन्स है बोई हुई, इसमें फ्लावरिंग हो रही है अभी अभी। बीन्स लगनी शुरू नहीं हुई है शायद, हाँ हो गई है शुरू। ये देखिए, ये आने शुरू हो गई है, ये है ना, फ्लावरिंग हो रही है, कुछ दिनों में लगनी शुरू हो जाएंगी। और ये साथ में पम्पकिन कद्दू की बेल है, देखो पूरी फैल रखी है ऐसे यहाँ पे लास्ट तक। ये भिंडी के पेड़ हैं कुछ लगे हुए, स्मॉल स्मॉल हैं अभी, टाइम लगेगा अभी इन्हें भी तैयार होने में। ये देखिए, और ये यहाँ पे ये भी बीन्स ही है। यहाँ पे पुदीना है, देखो ये पुदीना है, देखो खूब है पुदीना। और ये मौसमी का पेड़ है, ये मौसमी है, देखो मौसमी का पेड़ है ये, इसमें मौसमी लगी हैं। ये देखिए, ये है, ये मौसमी लगी है इसमें फ्रूट्स। ज़्यादा नहीं लगे फ्रूट्स, कम ही लगे पर हैं फिर भी लगे हुए। ये देखिए, पर इसके पता नहीं पिछले साल भी हुई थी, खट्टी निकलती ज्यादा। फिर आ गया हूं मैं अपने कद्दू की बेल के पास। यहाँ पे देखो एक कद्दू लगा हुआ है, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, कद्दू की बेल आते आते यहाँ नीचे से इधर पे आ गई है। और ये देखिए, ये है लगा हुआ, एक छोटा सा है, अच्छा पौधा है, इसको काट लेते हैं यहीं पे। मिट्टी में खराब होने के भी चांसेस होते हैं इसके। और ये बगल में तोरी की बेल है, ये देखिए, इससे मैंने देखी थी एक तोरी, शायद यहाँ कहीं लगी है, दो तोरी पहले तोड़ ली थी। ये देखिए, हाँ ये लगी है, देखिए कितनी अच्छी और की है। आज की सब्जी चीज़ के बनाएंगे, और शायद नहीं है इसमें अभी कहीं, मेरे को दिखी एक ही है लगी हुई। थोड़ी थोड़ी लेता हूँ मैं, साथ में अमरूद का पेड़ भी देखिए यहाँ पे, इसमें खूब फ्रूट्स हो रखे हैं।
स्मॉल स्मॉल, ये देखिए छोटे छोटे हैं अभी फ्रूट्स इसमें, लेकिन लदा हुआ है खूब फ्रूट्स से। तो आज की सब्जी का मेरा काम ख़त्म हो गया, तोड़ ली मैंने सारी। तो चलता हूँ अब ऊपर, तैयारी करते हैं इसको बनाने की। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने कोई फ्रेंड वगैरह है तो उसको शेयर भी करो भाई, है ना। क्या पता आपका एक शेयर मेरे चैनल को वायरल ही करवा दे। तो ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर गाइज, थैंक यू वेरी मच।